أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيدات النساء أربعة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد اللهم صل على محمد ومريم مريم ابنة عمران وآسيا بنت مزاحم حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ سیدات النساء اربعۃ وہ خواتین جن کو سیادت حاصل ہے فرما روائی و آقائی حاصل ہے سروری حاصل ہے خواتین کی وہ چار عورتیں ہیں ان چار عورتوں میں دو اولین میں ہیں اور دو آخرین میں سے ہیں وہ دو جو اولین میں سے ہیں وہ حضرت مریم بنت عمران سلام اللہ علیہا ہیں اور حضرت آسیہ بنت مزاحم ہیں اور وہ خواتین جن کے سر پر تاج سیادت و شرافت اس امت میں رکھا گیا ہے وہ دو خواتین ہیں خاتون اول درواقع خاتون اول جہان ہیں حضرت خدیجہ بنت خویلد ام المؤمنین و ام الائمہ و ام السادہ و ام الطاہرین و ام المؤمنین حقا سلام اللہ علیہا حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا ہیں اور دوسری خاتون سیدت نساء العالمین سیدت الطاہرۃ الصدیقہ فاطمہ بنت محمد صلوات اللہ علیہا وعلی آبائہ آبائها وأولادها وبعلها وصلوات الله على جميع الشهداء والصديقين من ذريته الطاهرة حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جن کے سلسلے میں اظہار نظر کرنا ایک آسان کام اور وہ بھی مختصر وقت میں آدمی جیسے کسی بند کمرے سے نکلنے کے اندھیرے میں رہنے کے بعد جب آسمان کے نیچے آتا ہے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ ہر سمت نور ہے روشنی ہے اور میں کس سمت فیصلہ کروں کہ کدھر روشنائی کم ہے اور کدھر روشنی زیادہ ہے اور خصوصاً سورج اگر آسمان کے بیچ میں چمک رہا ہو تو ایسی صورت میں اس سورج کی جانب دیکھنا بھی آنکھوں کو خیرہ کر دیتا ہے آدمی دیکھ نہیں سکتا ہے خدیجہ سلام اللہ علیہا اسی آفتاب ربع نہار اسلام کا نام ہے خدیجہ سلام اللہ علیہا کے مقامات اور ان کی شخصیت ایک زمانہ تھا کہ ایک مقالہ میں نے تیار کیا تھا جو تقریباً ایک کتاب کی شکل ہے اور شمار کیا جو روایات اور آیات کے اعتبار سے 200 خصوصیت
और फजीलत हजरत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की हकीर की समझ में आई। और मुमकिन है कि अगर कोई किताब खसाइस खदीजा जैसी जैसे खसाइस हुसैनिया लिखी गई उसमें इस्तेमबात किया जाए और रवायात और आयात से फायदा उठाया जाए तो कई जिल्द में हजरत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा के खवास खासे और खसीसे के बारे में लिखी जा सकती है। मैं फहरिस्तवार चंद की तरफ इशारा करता हूं। सबसे पहली खासियत यह है कि खदीजा सलामुल्लाह अलैहा अव्वलीन ज़ौजे रसूल खुदा है। हुजूर सरवर कायनात ने जो सबसे पहले शादी की वो हजरत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा है। बल्कि मुझे इस बात को कहने में कोई आर नहीं है कि हकीकतन शादी तो रसूल खुदा की बस एक ही हुई थी और वो हजरत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा से हुई थी। बाकी शादियां या वो समझौता था या वो किसी गरीब की दिलजोई थी या किसी को इज्जत और एहतराम बख्शना था या कौम और कबीलों के दरमियान इत्तेहाद और मोहब्बत को कायम करने के लिए ये काम किया गया था, लेकिन शादी जो हुजूर सरवर कायनात की हुई वो सबसे अजीम और सबसे अनोखी शादी वो हजरत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा से हुई, जिसमें शादी के तमाम अरकान नजर आते हैं, जिसमें बारात भी है, जिसमें वलीमा भी है, जिसमें जैसा दूल्हा है वैसे ही अजीम आकिद है, अर्ज पढ़ने वाला है, और जैसी बीवी सलामुल्लाह अलैहा हैं उसी एतबार से महर भी है और अदब है, एहतराम है। चूंकि सैयद अंबिया की शादी है लिहाजा जिन अल्फाज से शादी का आगाज किया जाएगा वो अल्फाज वो हैं कि जो बाद में कुरान में नाजिल होंगे और उसको अल्लाह ताला हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की जबान से जारी फरमा रहा है। मेरे दोस्तों अजीजों, हजरत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की शादी, उसके बाद वलीमा, उसके बाद महर, हत्ता शादी के अलावा दिन रखने की भी तारीख मुअय्यन है, उसके बाद शादी की इब्तिदा कब से हुई, तरफैन में क्या गुफ्तगु हुई, हजरत खदीजा ने क्या इजहार नजर किया। मैं ये तफसीर इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि आप बता दीजिए कि आयशा की शादी में रसूलल्लाह में कौन सा वलीमा कब हुआ, अक्द किसने पढ़ा, या बराती कौन लोग थे, या बारात के वक्त जो है उस तरफ से क्या लोगों ने वलीमा दिया, क्या खर्च हुआ, क्या जहेजिया था, और उस तरफ से क्या ऐलान किया, कोई खबर नहीं है। बस हुजूर सरवर कायनात ने कबाइल को इज्जत बख्शने के लिए अपनी इज्जत का एक सदका उतार दिया और उनके साथ शादियां कर ली। उन बीवियों में कुछ बीवियां थी वाकई जो अहले बैत के साथ वफादार थी, उनको मकाम और इज्जत हासिल है, लेकिन खदीजा कहाँ और हजरत दीगर अजवाज कहाँ। और इसका एक मैं बयान सबूत देता हूं, सही बुखारी की रवायत है कि आयशा ये कहती है कि मुझे अक्सर बिस्तर हजरत खदीजा से जो है जलन का एहसास होता था। इस तरह आमतौर से दीगर सौतें जो हैं अपनी सौतन का नाम सुन के उनके दिल में अजीब सी कैफियत होती है, मेरे अंदर ये कैफियत होती थी। वो इसलिए कि कोई ऐसी सुबह या शाम नहीं जाती थी जिसमें रसूल खुदा खदीजा सलामुल्लाह अलैहा को याद न करते। और हर महीने में शुरू में हुजूर सरवर कायनात क्या करते थे कि जानवर ज़बह करते थे, एक मेंढा ज़बह करते थे और उसको हजरत खदीजा के चाहने वालों और उनके अज़्ज़ा व अक़ारिब और उनके रिश्तेदार या जो उनके दोस्तों में थे उनके यहाँ हजरत हदीये के तौर पर गोश्त भिजवाया करते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे गुस्सा आया और मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या अल्लाह ने उस एक बीवी के मुकाबले में आपको बहुत सी अच्छी बीवियां नहीं दी। अलबत्ता ये उनका दावा है, इसलिए कि जब जन्नत में चार ही औरतों का जिक्र है तो बाकी पांचवी औरतें कहां से आ गई। जब जन्नत में शुमार नहीं है तो दुनिया में क्या शुमार होगा दूसरों का। सैयदातुन्निसा अरबा,
और यकीनन बाद रवायतों में है तो अफसोसी भी है कि बाद अस फातिमे जहरा अफजल तरीन खातून हजरत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा है। और हजरत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा के ऊपर मैंने एतराज किया तो क्या रसूल खुदा आपको अल्लाह ने और अच्छी बीवियां नहीं दे दी? तो आपने फरमाया महिन या आयश, खामोश हो जाओ आयशा। याद रखो के सद्दकतनी वन्नासो युकद्दिबूनी, खदीजा ने मेरी तस्दीक की। सबसे पहली सिद्दीका है जिसने मेरी नबूवत के ऊपर मोहर तस्दीक रखी। ये नहीं कहा खदीजा मेरे ऊपर ईमान ले आई थे, कि खदीजा का ईमान वही था जो रसूल के आबाओ अजदाद का और जो हजरत अब्दुल मुत्तलिब और हजरत आमिना बिनते वहब सलामुल्लाह अलैहिम अजमईन का था, वही हजरत खदीजा हुआ। कानू अला दीन हनीफ, वो बर दीन जद मुबारक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे। ये नहीं कहा खदीजा ईमान ले आई, फरमाया सद्दकतनी, खदीजा ने मेरी तस्दीक की। हर आदमी नबूवत की तस्दीक नहीं कर सकता है, हर ऐरा गैरा रसूल अल्लाह की नबूवत की तस्दीक नहीं करेगा, तो उसकी क्या वैल्यू होगी माशरे में। इसीलिए हजरत बिलाल को कहा ईमान लाए, इसलिए कि आपकी तस्दीक से तस्दीक नहीं होती है, क्योंकि माशरे में आप बुजुर्गवार हैं लेकिन माशरे में आप एक गुलाम की हैसियत से देखे जाते थे। लेकिन जिसकी ताईद और तस्दीक रसूल खुदा के एतबार में मजीद इजाफा करती है उसका नाम खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा। फरमाया सद्दकतनी, खदीजा ने तस्दीक की मेरी, यानी मेरी नबूवत के ऊपर मोहर सदाकत जिसने लगाई उसका नाम खदीजा है। पहला, वो लोग काफिर थे, लोग मुनकिर थे और उसने तस्दीक किया। दरवाके ये कहना चाहिए जब तुम्हारे तुम और तुम्हारे आबा और तुम्हारे चाहने वाले और बाकी लोग काफिर थे, मुशरिक थे, मुझे ढेलों पत्थरों से मार रहे थे, उस वक्त खदीजा ने मेरी नबूवत की तस्दीक की। दूसरी चीज जो आपने फरमाया वो ये कि अल्लाह ताला ने खदीजा के जरिए से मुझे आबाद किया, तुम सब ने मुझे मायूस किया, तुम में से किसी एक को औलाद जो हजरत मारिया किबतिया रज़ी अल्लाह अन्हा, उसके अलावा किसी और की औलाद नहीं हुई, तुम सब ने मुझे मायूस किया, खदीजा ने मुझे आबाद किया। तीसरा जुमला जो हुजूर फरमाते हैं वो ये है कि अल्लाह ताला ने खदीजा के माल से मेरी तंगदस्ती को दूर किया, वो वजद काइलन फअगना, और आपको अल्लाह ने तंगदस्त पाया और अल्लाह ने ही आपको गनी कर दिया। खदीजा के माल को अल्लाह ने अपना माल कह दिया, चूंकि जमाने जाहिलियत में भी जो रिश्वत को, रिबा और सूद को, जुल्म को, तलक्की रुकबान को और कारहाए मकरूह हराम को अंजाम नहीं देती थी वो खदीजा सलामुल्लाह अलैहा थी। खदीजा सलामुल्लाह अलैहा सिद्दीक़े नबूवत है, खदीजा सलामुल्लाह अलैहा मुआविने रसूल खुदा है, नासिरे रसूल खुदा है। खदीजा सलामुल्लाह अलैहा के इज़्दिवाज से लेकर 25 साल तक रसूल खुदा पर और शादियां जायज नहीं थी। क्यों? इसलिए कि दूसरी शादी जब जायज होती है जब ज़ौजे अव्वल इंसान के वजूद को अपने वजूद से समेट न ले, उसकी तमाम जरूरियात को पूरी न कर दे। जिस तरह हजरत अमीर अलैहिस्सलाम पर हयात हजरत जहरा में दूसरी शादी जायज नहीं थी, हुजूर सरवर कायनात के ऊपर भी हयात खदीजा में दूसरी शादी नहीं थी, लिहाजा रसूल खुदा ने 25 साल कोई और शादी नहीं की। और ये खदीजा का सबसे बड़ा इम्तियाज है कि बाकी बीवियां 10 साल में रसूल खुदा के साथ मक्के में 9, मदीने में 9 बीवियां थी और हजरत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा 13 साल में अकेली उम्मातुल मोमिनीन थी हजरत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा। जल्दी जल्दी मैं इन खसूसियात को गिनाता जाऊं। खदीजा सलामुल्लाह अलैहा वो खातून थी कि जिनसे इस शादी के ख्वाहिशमंद खुद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और रसूल खुदा ने इस रिश्ते को फौरन कबूल कर लिया जब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा ने रिश्ता दिया। हुजूर सरवरे कायनात को खदीजा की तिजारत और पाकिजगी और तहारत पर इतना भरोसा था कि हुजूर ने माल खदीजा में वकील तिजारत या ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए अपने को पेश किया हजरत अबू तालिब को। उनको मालूम था कि खदीजा ताहिरा हैं, सिद्दीका हैं, मोमिना हैं, आबिदा हैं, जाहिदा हैं, इनके माल में माल हराम नहीं पाया जाता है। खदीजा सलामुल्लाह अलैहा वो शख्सियत है कि खुदावंद आलम ने खदीजा को सलाम कहलाया है।
हुजूर सरवरे कायनात कहते हैं, बुखारी में भी एक हुजूर सरवरे कायनात फरमाते हैं कि जब मैं मेराज पे गया लौटने लगा तो जिब्राइल ने मुझसे खुदा हाफिजी करते हुए मैंने जिब्राइल से कहा कि जिब्राइल अगर कोई दुनिया में कोई हाजत है ख्वाहिश है तो फरमाओ। फरमाया या रसूल अल्लाह मेरी दुनिया में ख्वाहिश ये है कि जब आप जाइएगा नीचे तो जाने के बाद कहिएगा खदीजा से कि अल्लाह ने आपको सलाम कहा है। उसके बाद फरमाया कि अल्लाह के सलाम के बाद मेरा सलाम भी आप खदीजा सलामुल्लाह अलैहा को दे दीजिएगा। हुजूर आए और हजरत ने खदीजा को फरमाया खदीजा खुशाबहाल हो तुम कि अल्लाह ताला ने तुम्हें सलाम कहलाया है और सलाम के साथ जिब्राइल ने भी तुझे तुम्हें सलाम कहा है। हुजूर सरवर कायनात को 40 दिन तक गारे हिरा में ठहरने गारे सौर में ठहरने का हुक्म दिया गया। आवाज हुजूर सरवर कायनात ने खदीजा से फरमाया खदीजा मैं हुक्म इलाही की तामील करने के लिए गार में जा रहा हूँ इबादत परवरदिगार करने के लिए, कभी ऐसा गुमान ना करना कि मैं तुमसे नाराज हूँ या मैंने तुम्हें तर्क कर दिया। नहीं खदीजा हुक्म पर हज़रत खदीजा ने फरमाया इन्नी रज़ी तो बिरज़ा रब्बी मैं अपने खुदा की रजा में राजी हूँ। कहते हैं कि पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते खदीजा अल्लाह ने तुम्हें सलाम कहलाया है। रवायतों में है कि दिन में कई बार खुदावंद आलम हजरत खदीजा पे मुबाहात करता था। खदीजा सलामुल्लाह अलैहा वो खातून हैं कि जिन्होंने हुजूर सरवर कायनात को अपने माल से मदद किया। फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा की माँ वो अजीम खातून है कि जिसने रसूल के साथ तमाम सख्तियां बर्दाश्त की। वो जो मलीकतुल अरब थी वो 3 साल तक शाब अबी तालिब में रही जहाँ खाने की कमी थी, पानी की कमी थी, आशाइश की कमी थी, दिन की धूप होती थी। जिन लोगों ने शाब अबू तालिब नहीं देखा है अब भी सऊदी अरब ने उन पहाड़ों को नहीं काटा है, वो पहाड़ मौजूद हैं। पहाड़ों का एक दायरा है जिसके अंदर चारों तरफ से रास्ता बंद है, वहीं पर खैमा डालकर बनी हाशिम रहते थे। लॉकडाउन में रहने वालों 2 महीने के अंदर तुम्हारी हालत खराब हो गई, जबकि सब्जी मिल रही है, खाना मिल रहा है, आशाइश मिल रही है, हर आदमी अल अमान अल हफीज कह रहा है कि साहब बस बहुत हो गया अब नहीं हो सकता। कुफार कुरैश ने जिस लॉकडाउन को लगाया था वो 3 अनलिमिटेड था, वो तो 3 साल में एजाज इलाही से खत्म हो गया। लेकिन इन 3 सालों में मलीकतुल अरब जो अरब की शहजादी थी जिसके पास 400 घर में काम करने वाले गुलाम थे, जिसके पास हजारों ऊंट थे, जिसके पास सैकड़ों कनीजे थी, हर शहर में उसके वकील उत्तेजारा थे, हर शहर में उसने अपने लिए बिल्डिंग और घर खरीद रखे थे, सब उसने इस्लाम पे लुटा दिया। 13 साल तक इस्लाम के भूखे नंगे लोगों को खदीजा ने पहनाया भी खिलाया भी, लेकिन एक दिन खदीजा की पेशानी के ऊपर कभी बल नहीं आया कि या रसूल अल्लाह आइंदा मेरी नस्ल का क्या होगा, मेरे बच्चे क्या करेंगे। और वो खवातीन को तुम इस्लाम में अलम बना के ईजाद करते हो जो रसूल खुदा से खर्चा मांगा करती थी, जो रसूल खुदा से अपने महीने की खर्ची मांगा करती थी, वो कहां खदीजा का। अगर मैं कहूं कि वो सब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा का अक्स भी नहीं पा सकती है, नक्श पाए खदीजा तक भी नहीं पहुंच सकती है तो मैं भेजा नहीं कह रहा हूं। खदीजा सलामुल्लाह अलैहा 3 साल तक शाब अबू तालिब में रही। रवायतों में है जुनैद इसकाफी मेयार और मुआज़िना में लिखते हैं कि हज़रत खदीजा अपने रिसोर्सेस की बुनियाद पर अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को रात रात में भेजा करती थी कि फला जगह जाओ उसके ऊपर मेरा कर्जा, उसे कहो आटा दे दे, फला जगह जाओ उस पर मेरा कर्जा है उसे कह दो खुरा। अमीर अल मोमिनीन अपनी जान हथेली पर रख कर शाब अबू तालिब से निकलते थे और पूरे बनी हाशिम के लिए खुराक और गजा और पानी मुहैया करते थे। इसीलिए तो अभी जुनैद इसकाफी ने कहा थे अबू बकर उमर शोबे अबू तालिब में जब इस्लाम सख्त तरीन हालात से गुजर रहा था, और इसी चीज की तरफ हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया था उस वक्त कहाँ थे जब इस्लाम में खिदमत करनी थी। अब इस्लाम में हलवा खाना है तो हर आदमी खलीफा बनने की कोशिश कर रहा है। खदीजा सलामुल्लाह अलैहा के इम्तियाजात यह है कि खदीजा सलामुल्लाह अलैहा को अल्लाह ने जन्नत में एक ऐसा घर दिया है, एक ऐसा कसर दिया है कि जिस कसर के चारों दरवाजे जो है जन्नत में खुलते हैं, और बीवी सलामुल्लाह अलैहा का अजीम मंजिलत इनायत फरमाई है। रवायतों में है इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से मनकूल है
अबू बसीर कहते हैं एक दिन इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के साथ था मैं, फदारबा रजलहु अलल अर्ज़, जमीन के ऊपर पाए मुबारक को आपने मारा या असाए मुबारक को जमीन पे मारा। बिहार अनवार की रवायत है कि जमीन फट गई, हम उस जमीन के खला में दाखिल हुआ, अचानक दूसरे आलम में पहुंच गए। मैंने कहा अपना रसूल अल्लाह ये क्या है? फरमाया ये आलम बरज़ख है। उसके बाद मैंने देखा कि अजीब व गरीब सरसब्ज बागात हैं और उसमें चांदी के और जमुरद के खैमे लगे हुए हैं। पहले खैमे में दाखिल हुए, फिर दूसरे खैमे में दाखिल हुए, फिर तीसरे खैमे में दाखिल हुए, फिर चौथे खैमे में दाखिल हुए, उसके बाद कई खैमों में दाखिल हुए। मैंने कहा अपना रसूल अल्लाह ये क्या है? कहा वो पहला खैमा जिसमें दाखिल हुआ तो मेरे जद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, उनके करीब जो दूसरा खैमा था वो मेरे दादा अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का खैमा था, तीसरा खैमा मेरी माँ फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह, और चौथा खैमा जो मेरी माँ के खैमे से मिला था वो खदीजा सलामुल्लाह अलैहा, मेरी दादी खदीजा सलामुल्लाह अलैहा का खैमा था, पांचवा खैमा मेरे जद अमजद हजरत हसन मुश्तबा सलामुल्लाह अलैहा अलैह का था, और छठा खैमा मेरे अमजद हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम का, उसके बाद मेरे बाबा का खैमा, फिर मेरा खैमा, हम आइम्मा का खैमा। बस जहां आइम्मा इंद हज़ीरतिल कुद्स, जहां अंबिया का गुजर नहीं है, जहां सिर्फ आइम्मा ताहिरीन और अहलुल बैत मौजूद हैं, वहां खदीजा सलामुल्लाह अलैहा है। मेरे दोस्तों अजीजों, जहां जहां जियारतों में ज़वात मुकद्दसा का जिक्र, ज़वात मुकद्दसा ने किया है, वहां खदीजा सलामुल्लाह अलैहा का जिक्र किया है। जहां भी जिक्र अस्सलामु अलैका यब्ना रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका यब्ना अमीर अल-मोमिनीन, अस्सलामु अलैका यब्ना फातिमत अज़्ज़हरा, अस्सलामु अलैका यब्ना खदीजत अल-कुबरा, अमीर अल-मोमिनीन और दीगर आइम्मा से रवायत है कि इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुआविया इब्न अबी सुफयान के सामने खड़े होकर कहा, क्या बात करता है? जद्दी रसूलुल्लाह वजद्दो का हरब, और तेरा दादा एक गुमनाम और बेगैरत आदमी जिसका नाम हरब है। जद्दती उम्मी फातिमत ज़हरा, मेरी माँ का नाम फातिमे ज़हरा है और तेरी माँ का नाम हिंद जिगरखार है। वजद्दती खदीजा बिन्त खुवैलद, वजद्दतु का कुतैला, मेरी जद का नाम, जद्दा का नाम खदीजा है और तेरी जद का नाम कुतैला है। वो सिद्दीका और ताहिरा, और इनके बारे में अल्फाज बोलने की जरूरत नहीं है। वह शर बिशर व बिज़ुल्ल व बिज़ुल्ल, हुजूर सरवरे कायनात ने हसन मुश्तबा अलैहिस्सलात व सलाम को अपने आगोश में लेकर मिंबर पे फरमाया, हाज़ल्लज़ी खैरु अबन व उम्मन व खैरु जद्दन व जद्दतन, ये वो बच्चे हैं कि जिनके माँ बाप का जवाब नहीं, जिनके नाना नानी का जवाब नहीं। लोगों ने फरमाया या रसूल अल्लाह कौन है? फरमाया जद्दुहु अना रसूलुल्लाह, मैं उनका जद मैं हूँ और उनकी नानी खदीजा बिन्त खुवैलद सलामुल्लाह अलैहा है, और उनके वालिद का नाम हजरत अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, और माँ का नाम फातिमे ज़हरा। आइम्मा इफ्तिखार करते थे, आइम्मा इफ्तिखार, हजरत इमाम हुसैन फरमाते हैं वालिदी शम्सुन व उम्मी कमर, मेरे वालिद सूरज हैं और मेरी माँ चांद हैं। फरमाते हैं जद्दी रसूलुल्लाह सैयदुल अंबिया व जद्दती मलीकतुल अरब तुर्रा, मैं उस खातून का नवासा हूं जो पूरे अरब की शहजादी थी, मैं उस अजीम खातून का बेटा हूं जिसका लिबास व वजूद जाहिलियत की किसी नजासत से मुनकमिस नहीं हुआ। खदीजा सलामुल्लाह अलैहा का नाम आते ही अइम्मा एहतराम से नाम लेते थे, और आइम्मा आप देखें दुआए मुबारक नुतमा में वाला जद्दत ही सिद्दीकतुल कुबरा व जद्दत ही खदीजतुल गर्रा, हजरत खदीजा का नाम हर जगह कहीं कुबरा कहीं गर्रा, गर्रा यानी रोशन और चमकदार बा रविश खदीजा सलामुल्लाह। अगर हजरत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा हीन नुजूल आए ततीर होती तो यकीनन खदीजा सलामुल्लाह अलैहा आए ततीर में होती। खदीजा सलामुल्लाह अलैहा ताहिरा हैं, सिद्दीका हैं। खदीजा सलामुल्लाह अलैहा के इम्तियाजात में यह है कि खदीजा को जब बेटा इस दुनिया से गया तो खुदा ने फरिश्तों को भेजा कि जाओ खदीजा को दिलासा दो। खदीजा सलामुल्लाह अलैहा के लिए मरियम और आसिया कलसम खाहर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम
और सारा मादर हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, ये सारी औरतें मुतकन रवायतों के मुताबिक, मरहूम शेख अकदम व अफजल मरहूम शेख सदूक ने लिखा है कि जब हजरत जहरा सलामुल्लाह अलैहा दुनिया में आने वाली थी तो हजरत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा बहुत गमगीन थी, इसलिए कि कुफार कुरैश जिन्होंने जिंदगी भर खदीजा का माल खाया था, उन्होंने खदीजा से कहा कि हम तुम्हारे किसी काम में आपकी मदद नहीं करेंगे। कहते हैं अभी इस फिक्र में थी कि आसमान फटा और आसमान से नूर की अमारियां नाजिल हुई, और उसके बाद हजरत खदीजा ने देखा निस्वतुन समरतुन तवाल, वैसी ही खवातीन जैसे बनी हाशिम के घर की खवातीन होती हैं और उनके ऊपर नूर का हाला है। पूछा आप कौन है, फरमाया अना मरियम इब्नत इमरान वाजही उख्तों के, और ये जो है जन्नत में आपके आसपास रहने वाली हैं हजरत आसिया बिनत मबाहिम, ये कलसम हजरत इमरान की बेटी हजरत मूसा की बहन, ये सारा हैं हजरत इसहाक सलामुल्लाह अलैह की माँ हैं। क्यों आई हैं, ले नख देमों के हम आए ताकि आपकी खिदमत करें। जन्नत की तमाम सरदारान खादिमे हजरत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा। मैं अपने बयान को समेटूं मेरे अजीजों, अगर खदीजा सलामुल्लाह अलैहा के सिलसिले में गुफ्तगू की जाए तो इतने ज्यादा मारिफ हैं खदीजा, जबकि उम्मत ने खूब छुपाया, 25 साल की ज़ौजियत की तारीख उम्मत खा गई, उम्मत ने खियानत से काम लिया, रावियों ने तारीख नवीसों ने खदीजा के बारे में वो चीजें नहीं लिखी जो 25 साल में शबो रोज में इत्तेफाक हुआ, जो वाकयात पेश आए, बस खाल खाल बुखारी वगैरह में तो कहीं कहीं हजरत खदीजा का जिक्र है। ये बात अलग है कि किसी के कंघी और चोटी की सारी रवायतें नकल की जाती है, अपने अपने ज़ौक की बात है। खदीजा सलामुल्लाह 25 साल ज़ौजे रसूल खुदा रही, एक रवायत नहीं है कि कंघी कैसे करती थी, चोटी कैसे करती थी। हुजूर सरवर कायनात घर में आते थे तो क्या गुफ्तगू, सारी तरफ पर्दादारी है, हिजाब है, खामोशी है, शराफत है, इज्जत है, तहारत है, सियादत है, आकाई है और मरुवत है, बख्शिश है, लुत्फ है, हिनान है, शरफ है, पाकीज़गी है, जो कहिए वो खैर वो भी खदीजा सलामुल्लाह अलैहा के घर में है। तमस्सल खैर फी खदीजत कुल्ला, खैर खदीजा के अंदर मुजस्सम है, इसीलिए तो हमसर रसूल खुदा करार पाए, कुफ रसूल खुदा करार पाए। खदीजा सलामुल्लाह अलैहा उस अजीम शान का नाम है कि जिसने जिंदगी में रसूल खुदा की मदद की और जाते जाते भी अपनी तरफ से एक यादगार छोड़ के गई। बेटी से अर्ज किया कि बेटा तुम्हारा बाबा इस दुनिया में अकेला है, इसकी मदद करना। खदीजा का गम इतना अजीम है, इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं कि वरादा अला रसूलिल्लाह अजीमान, दो ऐसी अजीम मुसीबतें रसूल खुदा पे आई हैं, जरियान अजीमान के जज़ान शदीदा, रसूल खुदा बहुत रोए, रसूल खुदा बहुत परेशान हुए। और अजीजों इस साल का नाम आमुल हुज़्न रखा, शायद तमाम साल खदीजा को रोते रहे, बल्कि इन रवायतों को पढ़ने के बाद लगता है जब तक जीते रहे जिस तरह हजरत अमीर फातिमा जहरा के फिराक में आंसू बहाते रहे, वैसे ही हजरत खदीजा के फिराक में रसूल खुदा आंसू बहाते रहे। ये तोहमत है हजरत खदीजा के ऊपर कि आपका सिन 40 साल था, कभी आप 40 साल की नहीं थी। ये दुश्मनान इस्लाम ने हजरत खदीजा को बूढ़ा साबित करने के लिए और किसी को जवान बताने के लिए किया है। हजरत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा का वही उम्र थी जो एक मेच्योर्ड और नॉर्मल खवातीन की हुआ करती थी। हजरत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा ने रसूल खुदा को आबाद कर दिया, पूरी जिंदगी कभी रसूल खुदा से कुछ तलब नहीं किया, पूरी जिंदगी रसूल खुदा के सामने कोई हाजत नहीं रखी, बल्कि हजरत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की जिम्मेदारी थी, वजीफा था, तमाम अमवाल को जाके मस्जिद हराम में ऐलान कर दिया, लोगों जो कुछ भी मेरा था वो रसूल खुदा का है, अब मेरा नहीं। माल और जर और जवाहिर के ढेर के सिर्फ रसूल के चेहरे पर शिकन के आसार देखे, आप परेशान थे। फरमाया या रसूल अल्लाह क्यों परेशान है, फरमाया खदीजा मुसलमान जो हुए हैं उनको घर के मालिकों ने उनके घर से निकाल दिया है, उनका सोशल बायकॉट किया हुआ है, उनको खाने को नहीं है, पीने को नहीं है। खदीजा सलामुल्लाह अलैहा अपने गुलामों को कहा, आओ, सारे गुलाम आए, उन्होंने जो कुछ भी था सब सरमाया रसूल के कदमों में डाला और एक अजीम टीला बन गया जिसमें रसूल खुदा और उस टीले के दरमियान एक फासला हुआ, बहुत ऊंचा था। उसके बाद
हजरत खदीजा उस टीले के करीब जाके खड़ी हुई, जाने के बाद अर्ज किया दस बस्ता या रसूल अल्लाह अल बैत बैतुक वल माल मालुक व अना अमतुक फफअल मा शेत। रसूल खुदा घर आपका है, माल आपका है, मैं आपकी करी हूँ, जो भी आपको इस माल के साथ करना है अंजाम। ऐसी खातून हमेशा रसूल खुदा को याद आती, इसीलिए जब खदीजा की याद सताई फातिमा जहरा के करीब चले आए। फातिमा जहरा हजरत इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम के लिए मिलता है, फरमाते थे अना अशबहुन नास बिजद्दती खदीजतुल कुबरा, मैं नानी से बहुत ज्यादा शबाहत रखता हूँ। हुजूर सरवरे कायनात फरमाते थे इन्नी वर्रस्तुहु सऊदती, मैंने अपनी सियादत व आकाई हसन को दे दी है, अपनी शुजात और अपनी अजमत और जुल्म और बरबरियत के मुकाबले में एबा और इनकार को हुसैन इब्न अली को दे दिया है। रसूल खुदा खदीजा को भूल न सके इसलिए कि खदीजा ने कुर्बानी दी। खदीजा का पहला बेटा इस दुनिया से गया, अबुल कासिम अर्ज किया रसूल अल्लाह मेरा बेटा इस दुनिया से चला गया और मेरी मामता मुझे अजियत कर रही है। अजब नहीं आवाज दियो, घबराओ नहीं, खुदा वंदे आलम तुम्हारे वजूद से कौसर को खल करने वाला है। अब जो फातिमे जहरा रहम मादर में आई तो हजरत खदीजा को तमाम बच्चे याद आते थे जो पैदा होने के बाद इस दुनिया से जा चुके थे। हजरत खदीजा डरती थी कहीं ये भी बच्चा ना इस दुनिया से चला जाए। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इंजील में आया है कि निकाह निसा रसूल खुदा बहुत सी औरतों के साथ शादी करेंगे, वलाकिन नस्लहु कलील मिन इमरातिन मैमूनतिन मुबारका, रसूल खुदा की नस्ल थोड़ी होगी लेकिन ऐसी मुबारक खातून से होगी कि पूरी दुनिया में ये नस्ल फैल जाएगी। हजरत बीबी हुजूर सरवर कायनात ने यह देखा लेकिन ये रोज का मामूल था। एक दिन हुजूर की नजर पड़ी, देखा कि खदीजा गुफ्तगू कर रही हैं, मुस्कुरा रही, फरमाया खदीजा मिम्मन तुहद्दिसीन, किससे गुफ्तगू कर रही हो खदीजा? फरमाया मिन जनीन लती, वो बेटा या वो जनीन, वो बच्चा जो मेरे वजूद में है वो मुझसे बात कर रहा है, वो बच्चा मुझे दिलासा देता है। हुजूर ने फरमाया खदीजा मेरे भाई जिब्रहाजा अखी जिब्राइल कायमुन इंदी वो हुवा युबशिरुनी इन्नहा उनसा, खदीजा मेरा भाई जिब्राइल आया है मुझसे कह रहा है खदीजा से कहिए कि वो बेटी है, इन्नहा मैमूनतुन मुबारकतुन सिद्दीका, ये मैमूना है, मुबारक है, बाखैर है, बाबरकत है, वो मिनहन नस्ल वो मिनहल हुजजुल्लाह ताला, और इसी की नस्ल से हुजज इलाही है। खदीजा सलामुल्लाह अलैहा का इंतजार और बढ़ गया, 5 साल का सिद था। खदीजा ने फातिमा जहरा के दस्ते मुबारक को पकड़ा। अज़ीज़ अल्लामा मन्ना फरमाते हैं वकालत लहा वला तत्रुकी अबाके इन्नहु गरीबन बिलकुरे, मेरी बेटी अपने बाबा को अकेला न छोड़ दो इसलिए कि तुम्हारा बाबा यक्का उतरा, इसने माँ का प्यार नहीं देखा, तुम्हारे बाबा देखो अपने बाबा को अकेला ने छोड़ा और बीबी ने अपने बाबा की वो सारी जिम्मेदारियां संभाल ली जो एक माँ की होती। रवायतों में है कि 5 साल का सिन है, किसी ने आके खबर दी कि बीबी आपके बाबा नमाज की हालत में है, शिकम में शुतुर जालिमों ने आपके वजूद अकदस पे डाल दिया है, बोझ की वजह से सजदे से सर नहीं उठा रहे, मस्जिद में तशरीफ लाई फाजा अन्नहु हटाया अनहा अनहो सलामुल्लाह अलैह वजूद अकदस से उस शिकम्बे को हटाया, वह जाल तत्हिरो और साफ करती जाती है और रोती जाती है। हुजूर सरवर कायनात या इस मौके पर या बहुत से मौकों पर मैं इन्नहा उम्मु अबीहा, ये अपने बाप की माँ है। खदीजा सलामुल्लाह अलैहा अगर आप इस दुनिया से भूखी गई है, अगर इस दुनिया से प्यासी गई है, अगर इस दुनिया से मजलूमियत में गई है, अगर इस दुनिया से कसम पुरसी के आलम में गई है, अगर गमगीन गई है, औलाद का दर्द लेके गई है,
तो आपकी बेटी ने सारे गम इकट्ठा उठा लिए। बाप का दर्द, अपने ही शहर में गरीब उलवतन हो जाने का दर्द, पसलियों के टूटने का दर्द, नन्हे बच्चे के मर जाने का दर्द, या फातिमा ज़हरा नाम खदीजा का लो आपका नाम आ जाता है आखिरी जुमला। खसाएसो फातिमा ज़हरा में नसाई ने और हमारी रवायतों में लिखा है कि रोज कयामत गुनहगार लोग अल्लाह ताला के अदल व इंसाफ की वजह से उनका नाम आमाल खाली हो जाएगा, वो सब रसूल खुदा के पास जाएंगे। रसूल खुदा कहेंगे कि अली जाओ फातिमा जहरा से कहो तुम कोई वसीला लाई हो। फातिमा जहरा बहुत से वसीले पेश करेगी, आज की शब में एक वसीला पेश करना चाहता हूँ। वो वसीला हजरत मोहसिन सलामुल्लाह अलैह। रवायत में है कि अचानक एक आवाज आएगी अहले महशर, अपनी निगाहों को झुका लो कि सय्यदा वारिद होना चाहती है। जन्नत के अजीम नाकों में से एक नाके पे बीबी जाहिर होंगी। 70,000 फरिश्ते, वो भी आम फरिश्ते नहीं, जो जन्नत के परचमदार और अलमदार हैं, वो सब आपकी रिकाब में उतरेंगे। बीबी सलामुल्लाह अलैहा उस नूर के नाके से उतर के हजरत जहरा के करीब जाएंगी। उसके बाद उसके बाद सफेद कपड़े में लपेटी हुई एक लाश बीबी के हवाले कर देंगी। रवायतों में है कि ये हजरत मोहसिन सलामुल्लाह अलैह होंगे। फरमाएंगी बेटा इसके वसीले से मांगो। हजरत जहरा हजरत मोहसिन को बुलंद करेगी और आवाज देगी, बे आइए जुर्म कुतिल, बे आइए ज़म्ब कुतिल, मेरे खुदा इस नामुलूद बच्चे का जुर्म क्या था, अर्श परवरदिगार में लर्जा हो जाएगा। अस्सलाम अलैकिया खदीजा बिन्त खुवैलद, السلام عليك يا زوجة سيد الأنبياء والمرسلين، السلام عليك يا أم فاطمة الزهراء، السلام عليك يا أم الأئمة، السلام عليك يا جدة الحسن والحسين، إنا نسألك ونتوجه إليك، نسألك ونتوجه إليك يا رب بخديجة الكبرى، خدا امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما، خدا ہمیں امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ مل کر قبر حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کے قریب زیارت کا شرف نصیب فرما۔ ابو بصیر کہتے میں نے دیکھا امام جعفر صادق علیہ السلام ہجون میں حضرت خدیجہ کی قبر کے قریب کھڑے ہیں اور زار و قطار رو رہے ہیں۔ سلام ہو خدا کی جانب سے خدیجہ پر، خدا آپ کی ذریت طاہرہ کی محبت ہمارے دلوں میں قرار دے، تمام وباؤں بیماریوں پریشانیوں کو بحق حضرت خدیجہ، بحق حضرت زہرا، بحق رسول خدا، بحق پنجتن پاک، بحق چاردہ معصومین، تمام پریشانیوں کو دور فرما۔
सल्लल्लाहु अलैकुम या अहल बैत नबुव्वा ومعدن الرسالة لعن الله على أعدائكم من الأولين والآخرين وارحم علينا يا أرحم الراحمين وصلى الله عليه